सब बोलिए गुरु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के तीन नेत्र है, बेलपत्री में भी तीन बोलते जाओ पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी तीन ही चीज है। आगे हम गुरुजी से एक बहुत ही विशेष उपाय सुनेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको उपाय पूरा समझ में आएगा। सत्तू कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जो इन तीनों को गला कर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने तीन अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जौ। इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा बुरा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर। व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती और सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है, वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, करुण पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान तीन चीजों से मिलकर बनता है, जो बोलते जाते गेहूं चना, ये तीन चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने तीन चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है, तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं महादेव की कृपा से सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा गुरुजी द्वारा बताए गए बिल्कुल सही उपाय आपके लिए लेकर आता हूं, और गुरुजी से सुनकर पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश भी करता हूं। इसी क्रम में आज का यह उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज के उपाय में गुरुजी ने बैसाख के महीने में सत्तू का महत्व बताया है। आज के उपाय की बात करें उससे पहले हमेशा की तरह वीडियो को करें लाइक और कमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए उपाय की बात करते हैं। आज का उपाय गुरु जी ने सत्तू का उपाय बताया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सत्तू कैसे बनाया जाता है। सत्तू तीन चीजों को मिलाकर बनता है। सबसे पहला चना, दूसरा गेहूं जिसे कई जगह कनक भी बोलते हैं, और तीसरा जौ। तीन चीजों को मिलाकर सत्तू तैयार किया जाता है। सत्तू को तैयार करने से पहले तीनों चीजों को भिगोकर रखा जाता है, फिर उसको सेका जाता है। सेकने के बाद उसको पीस कर बारीक कर लिया जाता है।
उसके बाद उसमें अपनी इच्छा के अनुसार आप नमक भी मिला सकते हैं, उसमें मीठा भी मिला सकते हैं, पर ज्यादातर सत्तू मीठा ही बनाया जाता है। इन तीन चीजों से आप आराम से अपने घर पर ही सत्तू तैयार कर सकते हैं। अगर आप घर पर सत्तू तैयार ना भी करें तो बाजार में बना बनाया सत्तू भी आपको मिल जाता है, पर सबसे अच्छा रहता है अपने हाथ से घर में सत्तू तैयार करना। तो आप इन तीनों चीजों को मिलाकर सत्तू तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सत्तू का हमें क्या करना है। सबसे पहला गुरुजी ने बताया है कि सत्तू आपको महादेव को समर्पित करना है, महादेव को सत्तू चढ़ाना है। बैसाख महीने में आप वैसे तो कभी भी सत्तू चढ़ा सकते हैं, पर अगर आप हर रोज ना चढ़ा पाए तो अक्षय तृतीया के दिन, आखा तीज के दिन या फिर आप पूर्णमासी के दिन सत्तू अवश्य चढ़ाएं महादेव को। दूसरा, आपको सत्तू का सेवन करना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को सत्तू का सेवन करना है। बैसाख के महीने में जितना आप सत्तू का सेवन करेंगे उतना आप रोग बीमारियों से दूर रहेंगे। कई लोगों को सत्तू पसंद नहीं होता, तो जरूरी नहीं है कि आपको पेट भरकर ही खाना है। एक चुटकी भरकर भी आप अगर सत्तू का सेवन करते हैं तो उसका भी पूर्ण फल आपको मिलेगा। तो आप सत्तू का सेवन बैसाख महीने में जरूर करें। अगर पूरे महीने सत्तू का सेवन नहीं कर सकते तो कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन सत्तू का सेवन अवश्य करें। तीसरा, गुरुजी ने बोला था कि सत्तू का दान करें। अब सत्तू का दान आप कैसे करेंगे? आप अपने घर पर सत्तू बनाकर रखिए, जो भी आपके घर में मेहमान आता है उसको अवश्य सत्तू खिलाइए, यह भी सत्तू का दान हो जाता है। सत्तू का दान करने के लिए आप सत्तू किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं या फिर आप गरीब बच्चों में जाकर भी सत्तू बांट सकते हैं। अगर आप ये तीन उपाय करते हैं, तीनों बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपके घर में रोग कलह क्लेश पूरे साल में नहीं आएगा। अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल में जरूर बताइए, जिससे दूसरे लोगों को पता लगे कि किस उपाय से क्या लाभ होता है। आज के वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।